आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत ही स्पेशल गुड़ के हलवे की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और सर्दियों में इसे ज़रूर बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और आसानी से इसे हम बना सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसे में आप इस हलवे को बनाएं और खाएं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में डालेंगे देसी घी। घी को मेल्ट होने देते हैं, साथ ही दूसरी तरफ हम गुड़ को पिघलाने के लिए रख देंगे। गुड़ का हमें पानी तैयार करना है। घी भी मेल्ट हो गया है, इसमें हम डाल देंगे सूजी। सूजी को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इस हलवे को हम केवल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा बेसन भी डालूंगी, इससे हलवे का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इस हलवे को बनाने के लिए गेहूं का मोटा पिसा हुआ आटा लें, इससे हलवे का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। जैसे ही बेसन भुन जाएगा तो बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लग जाएगी। सूजी और बेसन का कलर हल्का बादामी सा हो गया है, इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा। इसे लगातार चलाते हुए भुनना है, इसे बादामी कलर होने तक भुनना है। जैसे ही आटा भुन जाएगा तो बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लग जाती है। इतने में गुड़ का पानी भी तैयार हो गया है और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं। डिटेल रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। भुनने का काम हमें लो फ्लेम में करना है। जैसे ही ये भुन जाता है गैस को कर देंगे बंद और थोड़ी थोड़ी मात्रा में गुड़ का पानी हम इसमें डालेंगे। गुड़ का पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इस समय गैस को बंद कर देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये सारा चीज़ उफन के बाहर को आता है और आपको ये बनाते समय बहुत ही केयरफुल रहना है। एक बार गुड़ का पानी पूरा इसमें डालने के बाद वापस गैस ऑन कर दें। अब यहाँ पर हम डाल देंगे किशमिश, काजू और बादाम और इनको अच्छी तरह से भूनना है। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हलवे को भूने। कुछ ही देर में आप देखेंगे हलवा कढ़ाई छोड़ने लगेगा। आप देख सकते हैं गुड़ का पानी पूरा सोख लिया है हलवे ने। अब इसमें डाल देते हैं घी और इसे कंटिन्यूस चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हलवा घी छोड़ने लगेगा। इस स्टेज में हम गैस को बंद कर देंगे। इस रेसिपी को आप लोग अपने किचन में ट्राई जरूर करें और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा बना। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनके तैयार है। गैस को कर देते हैं बंद। इस रेसिपी को आप गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा बेसन और थोड़ा सूजी भी डाला है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इस स्वादिष्ट हलवे को आप गर्मा गर्म ही सर्व करें और इसे सजाएं कटे हुए बादाम से। ये हलवा बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही साथ बहुत ही पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो ये विंटर के लिए बहुत ही बढ़िया है।
सर्दी से बचाता है और शरीर को गर्माहट भी देता है, तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। इस प्रकार से आपने देखा फ्रेंड्स, गुड़ का हलवा बनाना कितना आसान है। इस हलवे को बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए, जैसे गेहूं का आटा मोटा पिसा होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसमें थोड़ा आप सूजी मिला लें, और शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। दूसरा, गुड़ का पानी डालते समय गैस को बंद कर दें, थोड़ा थोड़ा करके चलाते हुए गुड़ का पानी डालें, क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म रहती हैं तो एकदम से उफान आता है, इससे बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। एक बार गुड़ का पानी पूरा डाल दें, उसके बाद गैस को ऑन कर लें, फिर वापस इसे बनाना स्टार्ट करें। रेसिपी की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। आशा है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।